सुहेल जी क्या ये 2024 को लेकर के विस्तार था आज कैसी समीक्षा बैठक के हमने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांट दिया है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। तो आज चारों प्रांतों की बैठक हम लोग कर रहे हैं। ये पूर्वांचल की बैठक है, हमारा बांदा में बुंदेलखंड की मीटिंग हो रही है, वहाँ अरविंद राजभर गए हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में मीटिंग हो रही है, जहाँ डॉक्टर संतोष पांडे जी गए हुए हैं। पश्चिमांचल में जो मीटिंग हो रही है, वहाँ हमारे नेता गए हुए हैं। यहाँ मैं खुद आया हूँ पूर्वांचल की मीटिंग लेने। तो ये आगामी नगर निकाय की चुनाव और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये अपने संगठन को ठीक करने की तैयारी हो रही है। आपके विधायक अब्बास अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है, क्या कहेंगे इस पर आप? भाई देखिए, ईडी का काम है अपना पूछताछ करना, वो पूछताछ करे। विधायक जी का काम है जवाब देना, वो जवाब दिए हैं। आजम खान से आपकी मुलाकात हुई थी, अब तो जेल से बाहर है वो? नहीं, अभी तो कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं। विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव से? ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा, अभी पार्टी में ही रहेंगे। भाई समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, आज भी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं ना, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग? पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, क्या कहेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम, ये केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिल करके ये देश और प्रदेश की जनता का धोती खोल के कपार पर बांधते हैं। 60 रुपया से बढ़ा करके 97 रुपया डीजल गया था, तो जब ये 37 रुपया कम करते तब न माना जाता कि इन्होंने डीजल का दाम कम किया। पेट्रोल का दाम 65 से 70 रुपया तक था अलग अलग, उसको बढ़ा के 100 पार किए, उसको लाए 97 में, उसको जब ले आते 70 रुपया लीटर देते तब मैं मानता ना कि कम किए हैं। ये तो दाम बढ़ा करके पैसा कलेक्ट कर ले रहे हैं, जब इनका काम हो जा रहा था छोड़ दे रहे हैं, 4 रुपया राहत दे दे रहे हैं, 2 रुपया राहत दे दे रहे हैं, 5 रुपया राहत दे दे रहे हैं, उस राहत से क्या फ़ायदा है? अब राशन कार्ड भी वापस मिल जा रहे हैं? अब तो चुनाव बीत गया ना, अब 2024 आएगा तो फिर राशन कार्ड नया बनेगा। अब पिछली बार महिलाओं के लिए बना था, अब इस बार खाली नौजवानों के लिए बनेगा। देखिएगा, वो राशन कार्ड बनाएंगे, फिर किसान प्रधानमंत्री किसान निधि फिर देंगे, अभी वसूली कर रहे हैं, फिर बढ़ा के देंगे। प्रदेश को चार भागों में बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश बड़ा है, आज प्रदेश में लाइन आर्डर बहुत बुरा है। आप जो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, आप चंदौली का मामला देखिए, आप ललितपुर का मामला उठा के देखिए, गोरखपुर का मामला उठा के देखिए, अभी बहराइच का मामला उठा के देखिए, रक्षक ही भक्षक बन गया है। और सरकार चलाने वाले लोग मुखदर्शक बने हुए हैं, तो कैसे ये बड़ा परिवार? अब तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो, तो फिर इतना बड़ा प्रदेश क्यों? बांट दो इसको चार भागों में, छोटा प्रदेश कुछ सुखी प्रदेश होगा। नहीं, उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अरे अब निकलना, अब उनको निकालना, निकालेंगे हम जाएंगे तो ना, बिल्कुल निकालेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे?